फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरक कुमार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक छोटा सा वाईफाई जो मैं अपनी होम पे लगाना हूँ सेटअप के लिए। तो ये छोटा सा जियो का वाईफाई, इसका मैं अनबॉक्सिंग करूँगा और साथ ही रिव्यू करूँगा, देखेंगे क्या इसके फ्यूचर और कंटेंट क्या अच्छा है या नहीं है, और इसका मैं प्राइस भी बताऊँगा कितने में आपको मिल सकता है और आप भी लेना चाहते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहले बार आया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। सो चलेगा आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे इस बॉक्स मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बॉक्स के आगे मिल जाएगा यहाँ पर जियो डिजिटल लाइफ, और इस पे आगे भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्राइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2499 प्राइस है, लेकिन इसका प्राइस इतना नहीं है। मैंने इसको 999 में परचेज किया इस वाईफाई को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस यहाँ पे गलत रहता है, और यहाँ पर आपको क्यूआर कोड से मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं क्यूआर कोड, और यहाँ पर आपको कुछ भी यहाँ पर बॉक्स यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा ही बॉक्स का रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो योर पर्सनल हॉट पोस्ट, इसका ये सीरियल नंबर है। अब इस बॉक्स को मैं थोड़ा अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। जैसे इस बॉक्स को आप अनबॉक्सिंग करेंगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर आपको ये खोलेंगे, जैसे आप खोलेंगे इसको यहाँ पर आपको कुछ गाइडलाइंस मिल जाते हैं। इसको मैं थोड़ा बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ पर बाद में इसको मैं पढ़ लूँगा। और यहाँ पर जैसे आप खोलेंगे तो इसका बॉक्स यहाँ पर ऐसे मिलेगा, यहाँ पर बॉक्स में कुछ नहीं रहता है। इसमें आपको एक मिलता है तार, मिलता है जो चार्ज करने वाला एक तार रहता है, वो मैं अभी अलग रखा हूँ वहाँ पे, वो डाटा केबल ही होता है। अब यहाँ पर जो आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ऑन का ऑप्शन, इससे आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक, इससे आप कोई भी ऑप्शन ही WPS हुआ जो अलग से यहाँ पे कनेक्ट होता है जो, और यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। टावर का ऑप्शन, इस अगर आपको लाल रहा तो आप नेटवर्क ज़्यादा करता नहीं है। और यहाँ पर आपको दिखेगा मैं जियो का ऑप्शन, इसमें इसको मैं थोड़ा खोल के देखता हूँ इस अंदर में क्या है। तो मैं यहाँ पर मैं खोल के दिखा देता हूँ इस अंदर में क्या होता है। तो जैसे इस बॉक्स को मैं यहाँ पर खोल देता हूँ यहाँ पर ढक्कन को, यहाँ पर आपको अंदर में एक बैटरी पहले से यहाँ पर फिक्स रहता है, यहाँ पर लगा ही रहता है पहले से बैटरी। तो मैं इस बैटरी को पहले निकाल देता हूँ। जैसे इस बैटरी को आप निकाल देंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, यहाँ पर आपको इसमें बैटरी रहता है होता है चार्ज, और यहाँ पर आपको क्यूआर कोड से भी मिल जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक सिम का ऑप्शन, और यहाँ पर आपको एक मेमोरी भी लगा सकते हैं। इसमें आपको मेमोरी कार्ड का भी यहाँ पर आप ऑप्शन है, और यहाँ पर आप एक सिम लगा सकते हैं। तो यही था, यहाँ पर आप रिसेट भी मार सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिसेट का ऑप्शन है। तो यही था इस वाईफाई का खास, और यहीं पर अगर आप वाईफाई लगाना चाहते हो तो एक ठम कहीं पर आप वाईफाई सेट कर दीजिए, इससे आपका नेटवर्क फास्ट पकड़ता रहता है। इस वाईफाई को मैंने एक सप्ताह पहले इस वाईफाई को परचेज के लिए था, लेकिन इस वाईफाई में एक खासियत है कि इसमें आपको मेमोरी का ऑप्शन मिलता है, बहुत ही अच्छा है। जब आप मेमोरी लेंगे तो आपको जैसे आप लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको मेमोरी पर जो वीडियो म्यूजिक सब रहेगा सब आपको लैपटॉप में दिखाई दो, यह खास बहुत ही है। अगर आपको ये वाईफाई परचेज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बाइक का लिंक मिल जाएगा, अमेजोन पर जाकर या फ्लिपकार्ट पर जाकर कहीं सभी आप, हम नीचे अमेजोन का लिंक दे दें, जाके आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वाईफाई है, अपने घर पर सेटअप में लगा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। इसको वाईफाई सेटअप लगाइए और यहाँ पे नेट अच्छा से यहाँ पे चलता रहता है। आज की वीडियो आपको पसंद आएगा, अगर आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। सो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो के नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।